हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्लास 10 का ना। हम लोगों ने रेसिस्टेंस तो पढ़ ही लिया था लास्ट वीडियो में। हमें पता था रेसिस्टेंस क्या होता है, कैसे जानते हैं उसके बारे में। देन हमने बताया था रेसिस्टेंस को हम किसी भी सीरीज में, किसी भी सिस्टम में दो तरीके जोड़ सकते हैं, एक सीरीज एक पैरेलल। सीरीज का मतलब एक जुड़ा फिर एक जुड़ा फिर एक और जुड़ा, मतलब लाइन से, एक लाइन से जुड़े तो सीरीज और ऐसे ऐसे जुड़े, एक है ऊपर फिर ये फिर ये तो पैरेलल। अब हमने तो केवल तीन को जोड़ के बताया है, आप चार जोड़ सकते हैं, पांच जोड़ सकते हैं, दो जोड़ सकते हैं, एक जोड़ सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं, लेकिन एक से ज्यादा जोड़िएगा नहीं फार्मूला निकालने में दिक्कत आएगी। दो तीन चार जितने आप जोड़ें, अब पता लगा आपने 10 जोड़ दिया तो उस सर्किट में करंट है नहीं बहेगा। नॉर्मल एग्जाम्पल लो भाई, मान लो रोड बनी है, दर दर तुमने ब्रेकर बना दिया, बंदे की स्पीड 10 हुई, फिर उसने गाड़ी रोकी, 10 हुई फिर गाड़ी रोकी, तो पता लगा फिर कहानी नहीं बनेगी, फिर तो समझदार है आप। चलिए समझते पहले इसको। देखो हमने तीन रेसिस्टेंस पहले जोड़े, रेसिस्टर्स जोड़े क्या, R1 R2 R3। अब रेसिस्टर और रेसिस्टेंस में डिफरेंस समझिए। रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है किसी करंट को मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने की, करंट को मार्ग में, करंट के फ्लो इन, करंट के पाथ में रोकने की जो प्रॉपर्टी है किसी मेटल की, वो है रेसिस्टेंस। लेकिन इसको हम डिनोट जिससे करते हैं, ये उसका सिंबल है, ये इसको हम बोलते हैं रेसिस्टर। रेसिस्टर, बात समझ में आई। जैसे भूख लगना इंसान की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो खाता है उसको भूख नहीं बोलते, उसको खाना बोलते हैं। भूख कहाँ लगती है, पेट में, खाता कहाँ है, मुंह में। तो पेट की प्रॉपर्टी भूख लगना, मुंह की खाना। चलो आगे देखो, बहुत ही प्रॉपर्टी है भैया, का का बताया जाए। अब R1, R2, R3 क्या है, एक रेसिस्टर हमने जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, करंट आई फ्लो हो रहा है। देखो यहाँ सेल लगे हुए हैं, पहला सेल पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। बड़ी लाइन पॉजिटिव बताएगी, छोटी लाइन निगेटिव को बताएगी, और इसलिए करंट फ्लो हो रहा है। ये क्या है, अमीटर। ये अमीटर का पॉजिटिव सिरा, ये निगेटिव सिरा। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है, पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव से अंदर आता है। देखो पॉजिटिव से निकल रहा है, देखो जा रहा है, ये गया और ये निगेटिव से बाहर आ रहा। ठीक। दूसरी बात, ये सारे के सारे रेसिस्टेंस सीरीज में है तो सब में करंट सेम बहेगा। इसमें करंट आ ही जाएगा, इसमें भी आ ही जाएगा, इसमें भी आ ही जाएगा, मतलब करंट डिवाइड नहीं होगा, सेम करंट फ्लो होगा। लेकिन इनका रेसिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि V की वैल्यू I बदलेगा या R बदलेगा। I बदलेगा तो, I बदलेगा तो V की वैल्यू पर डिपेंडेंसी पता नहीं होगी कि नहीं, आप खुद देख लें। ये फॉर्मूला होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, यही तो होता है। देखो ध्यान से, अब R हमने लगा दिया तो अब देखो इसके लिए R की वैल्यू R1 तो इसकी वैल्यू V1, इसकी R2 तो इसकी V2, इसकी R3 तो इसकी V3। अब हम आगे डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आप इसका स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिख सकते हैं, व्हेन टू आर मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हेन टू आर मोर रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन एंड टू एंड, पहले रेसिस्टेंस का एंड दूसरे रेसिस्टेंस के स्टार्टिंग से, मतलब कि फर्स्ट का एंड सेकेंड के स्टार्टअप से, सेकेंड का एंड थर्ड के स्टार्टअप से, सॉरी थर्ड के स्टार्टअप से, थर्ड का एंड फोर्थ के स्टार्टअप से, अगर ऐसे जुड़ने लगे इसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। या हम बोलें कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टर एक दूसरे के एंड से कनेक्ट कर दें तो ऐसे सिस्टम को हम सीरीज बोलेंगे, ऐसे कनेक्शन को हम सीरीज बोलेंगे। जैसे देखो पहले का एंड, देखो दूसरा वाला पहले के एंड से कनेक्ट है, तीसरा वाला दूसरे के एंड से कनेक्ट है, चौथा जोड़ेंगे तो तीसरे के एंड से कनेक्ट होगा। एंड एंड को कनेक्ट कर दें, स्टार्टअप एंड, फिर मतलब जहां पहला एंड हो वहां दूसरे का स्टार्टअप हो, जहां दूसरे का एंड हो वहां तीसरे का स्टार्टअप हो, ऐसे सिस्टम में। अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान समझो पहले। अच्छा, ऐसी कंडीशन में करंट की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है, आई की वैल्यू ऑलवेज मैक्सिमम होती है, और इसमें हमेशा अमीटर जोड़ते हैं, अमीटर। अभी आप कुछ देर बाद पढ़ेंगे ना, तो
कुछ देर बाद क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे पैरेलल। तो पैरेलल में आई की वैल्यू कम होती है और उसमें वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। हमने इसका डेरिवेशन स्टार्ट किया। अब डेरिवेशन देखो, सबसे पहले आप इसके लिए देंगे, स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले हम वी वन लेंगे, लिखेंगे वोल्टेज ड्यू टू आर वन। तो वी वन इज इक्वल टू आई आर वन, ठीक। फिर वोल्टेज ड्यू टू आर टू, आर टू की वजह से वोल्टेज, तो वी टू इज इक्वल टू आई आर टू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमन मेथड है, समझिएगा। फिर अगला वोल्टेज ड्यू टू आर थ्री, तो क्या हो जाएगा, वी थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री। फिर लिखेंगे टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज क्या बनेगा, बन जाएगा V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ठीक। अब देखो यहाँ इक्वेशन नंबर V रहने दो, V वन की वैल्यू क्या है, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, क्लियर। V को V रहने दो, I कर लो कॉमन, तो बचा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इतना हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसको मान लो फर्स्ट और छोड़ दो, फिर लिखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है, होता है। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, मतलब देखो फर्स्ट का एलएचएस सेकंड का एलएचएस बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसे हम लिख सकते हैं, और अच्छे से लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे आई आर इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट फिर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये आपका क्लेरिफिकेशन मेथड है, ओके, कोई दिक्कत, क्लियर, ये रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। अब अगली बात हम करेंगे पैरेलल में। अब सर पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको पैरेलल में जोड़ के बता देते हैं। चलिए हम सीरीज की बात करेंगे ना, सीरीज में देखिए क्या हुआ। अब वहां पर पैरेलल हमने, सॉरी वहां हमने सीरीज जोड़ा था, यहां पैरेलल की बात करेंगे। पैरेलल का मतलब हमने कहा था ना ऐसे ऐसे जोड़ना, ऐसे ऐसे, जैसे मान लो कि लाइन से कोई खड़ा हो, बात समझ में आ रही है, जैसे मान लो लाइन से कोई व्यक्ति खड़ा है, एक ये खड़ा है, एक फिर एक फिर एक, तो ये हो गया सीरीज। अब इसी लाइन को आप ऐसे कर दें, एक फिर एक फिर एक, तो ये हो गया पैरेलल। आमने सामने होना पैरेलल है और एक ही लाइन में होना सीरीज है। तो ऐसी कंडीशन को अगर हम फॉलो करते हैं, तो देखो सबसे पहले सेम है, हमने सेल लगाया, देखो ये बनाना स्टार्ट किया पॉजिटिव नेगेटिव, एक सेल पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉइंट ही नेगेटिव पॉइंट। अब यहां से हमने करंट लगाया, ये देखो पैरेलल में करंट यहां तक तो आया। अब ए बी एक पूरा का पूरा सिस्टम है, ए बी एक पूरा का पूरा सिस्टम है, इसी में हमने सीरीज से जोड़ा, रेसिस्टेंस को सीरीज से जोड़ा, ठीक है। यही तो पूरी पूरी सर्किट है, इसी को ए बी हम सर्किट कहेंगे, सर्किट। अब लेकिन सर्किट पूरा बन के बना है, इतना ए बी नहीं, पूरा जुड़ के बना है। अब यहां देखो आई करंट यहां तक था, यहां से तीन रास्ते मुड़े हुए हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो आई टू का ये आई करंट ना बट गया, डिवाइड कैसे हुआ, ये आई वन गया आर वन के रास्ते में, आई टू गया आर टू के रास्ते में, आई थ्री गया आर थ्री के रास्ते में। अब ये तीनों करंट आके बी मिले और फिर ये करंट आ रहा, ये आई करंट इधर से आ रहा, जो भी करंट टोटल निकला हो। अब इधर जो करंट निकलेगा वो तीनों का एड निकलेगा, एड तीनों का एड होके, इधर एड था तो बटा, लेकिन यहां जो निकलेगा वो एड होके निकलेगा, बट यहां इतने में तो बट ही गया ना। अभी ऐसी कंडीशन में सबका वोल्टेज सेम रहेगा, सबका वोल्टेज सेम रहेगा, देख लो भैया एक बार मन लगा के, हम नहीं चाहते आपको कोई तकलीफ हो, बिल्कुल दिक्कत आए, दिख गया। अगर हाँ समझो, अगर I और R दोनों में से कोई एक चीज बदलेगा तो V पक्का बदलेगा, अगर I व R दोनों में कोई एक बदला तो V में चेंजिंग होगी, लेकिन अगर दोनों बदल गए, I भी बदला और R भी बदला, तो V में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक। देखो V सेम है, अब ये ना आपको जो V दिख रहा है, ये वाला V,
यहाँ पर इसको हम वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वोल्ट मीटर लगाते हैं, पैरेलल में हम वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ये निगेटिव। यहाँ देखो मीटर लगा है, जैसा मीटर में आप जानते हैं ना करंट जिधर से घुसता है वो प्लस पॉइंट था, जैसे निकलता है वो माइनस, तो ऐसे आया, इधर से करंट ने एंट्री किया तो पॉजिटिव, इधर से निकल रहा तो निगेटिव। ये एक कुंजी है, इसी को लगा, इसको जब हम पुश करते हैं दबाते हैं तभी सेल से करंट बहना शुरू होता है, अगर इसको नहीं दबाएंगे तो ये करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, उसमें हम क्या निकाल रहे थे, उसके पहले वोल्टेज, इसमें क्या निकालेंगे करंट, कहां पर करंट, सॉरी इससे पहले सीरीज था ना, सीरीज में चलो अच्छा करंट ही निकाल लो, लिखो करंट कहां ड्यू टू आर वन, आर वन की वजह से करंट, हाँ या इन आर वन कर लो, तो क्या बन जाएगा आई इज इक्वल टू, पहले तो आप ये लिख लो डायरेक्ट, यहां लिखो अकॉर्डिंग टू ओम्स ला फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपान आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के भूल जाओ, आगे सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब सेम काम, करंट फ्लो इन आर वन, आर वन में बहने वाला करंट, फ्लो होने वाला करंट क्या बनेगा, आई वन इज इक्वल टू वी अपान आर वन, फिर सेम कंडीशन, करंट फ्लो इन आर टू, अब आर टू फ्लो होने वाला टोटल करंट क्या होगा, आई टू इज इक्वल टू वी अपान आर टू, फिर करंट फ्लो इन आर थ्री, अब आई थ्री इज इक्वल टू वी अपान आर थ्री हो गया। अब इसके बाद भी कहानी है, अब इसे मैनेज कर दे, क्योंकि इसका तो कोई काम बचा नहीं है, हमें तो डेरिवेशन ही करना है, इसे रेज किया गया तो ये क्या बन गया, इधर बना जा करके टोटल करंट, टोटल क्या होगा, I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, अब I की वैल्यू V अपान आर, आई वन की V अपान आर वन, आई टू की V अपान आर टू, आई थ्री की V अपान आर थ्री, तो V अपान आर यहां लिखा रहे दो, यहां V कर लिया कॉमन, तो अंदर बचा V1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू प्लस 1 अपान आर थ्री, वी से भी कैंसिल, तो 1 अपान आर इज इक्वल टू 1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू प्लस 1 अपान आर थ्री, देन प्रूफ हो गया ठीक। इससे पहले वाला क्या था, सीरीज, ये किसमें है पैरेलल। एक इंपॉर्टेंट बात, पैरेलल में हमेशा करंट की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, मिनिमम मतलब आप समझो, मिनिमम का मतलब ये होता है ना, करंट की वैल्यू मिनिमम होने का मतलब ये हुआ कि करंट की वैल्यू कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि एक करंट सब जगह बढ़ जाता है, जितना करंट आता है टोटल बढ़ जाता है, सीरीज में बढ़ता नहीं, बराबर बराबर चलता है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब मान लो कि हम यहां बात करें पावर की, इसी में है ना एक आपको लास्ट पॉइंट हो सकता है, एकदम लास्ट मिल रहा हो मेरी पावर है लास्ट में, हाँ इलेक्ट्रिक पावर है ठीक। तो अब इसके बाद हम थोड़ी बातचीत और करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के अब आगे बात करेंगे, पहले आप जान लें कि कॉम्बिनेशन और सीरीज दोनों में क्या डिफरेंस होता है और क्या एप्लीकेशंस होते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट, सॉरी कॉम्बिनेशन सीरीज में जानना है आपको, देखें समझे पहले, पहला इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नॉन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। अगर सीरीज में, सीरीज मान लीजिए सीरीज बना हुआ है ये, इसमें कोई एक कंपोनेंट फेल हो गया, कोई एक खराब गया, तो ये ना ये काम करेगा, ना ये काम करेगा, ना ये काम करेगा, बात समझ में आ रही है। व्हेन इन सीरीज सर्किट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हेन वन कंपोनेंट इज फेल देन ऑल कंपोनेंट डू नॉट वर्क एनी अदर, मतलब एक कंपोनेंट फेल हो गया तो सबके सब फेल, कोई काम नहीं करेगा, बात समझ में आ रही है। अब अगर हम दूसरी बात करें, सेम डिफरेंसेस एप्लीकेशंस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स टू करंट, दिस कैन नॉट बी सैटिस्फाइड इन सीरीज एंड करंट रिमेन सेम,
डिफरेंस अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज एज करंट रिमेन्स सेम। बात समझो, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट को, अलग अलग प्रकार के फ्लुइड्स को, अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस को अलग अलग करंट चाहिए। जैसे मान लो बल्ब है, बल्ब, फिर CFL है, और सबको जलने के लिए इसको मान लो 100 वाट चाहिए, इसको मान लो 1.5 वाट चाहिए, सबको अलग अलग वाट का करंट, सबको अलग अलग वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज मतलब अलग अलग करंट चाहिए। इसमें मान लो 10 एम्पियर करंट लगता है, इसमें मान लो हमने मान लिया 2 एम्पियर करंट लगता है, सबको अलग अलग करंट चाहिए ना। अगर हमने सबको सीरीज में जोड़ दिया सबको, तो ये काम नहीं करेंगे भाई। इसको 10 एम्पियर की जरूरत थी, इसको मिल गया, अब पता लगा इसको भी 10 एम्पियर दे दिया गया, इसको जरूरत कितने की थी, 2 एम्पियर के, CFL खराब गए। बात समझ में आई? और अधिक कंडीशन हमने ली, मतलब कि सीरीज में सबको जोड़ा नहीं जा सकता है। इतनी क्लियर? आगे कह रहा था टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज डिक्रीजेड। कोई पैरेलल सर्किट है उसका टोटल रेजिस्टेंस ले लिया जाए तो ऑलवेज वो कम हो जाता है। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में ज्यादा होता है, पैरेलल में कम होता है। क्यों कम होता है देख लो सीधे, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। देखो सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं आपको, उल्टा दिख रहे हैं, उल्टा। बात समझ आई? अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? When all first end connect with A and second end connect with B। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें रेसिस्टेंस के सारे एंड एक पॉइंट से और दूसरे एंड दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हो, उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, कॉम्बिनेशन सीरीज। चलिए इसके थोड़ी सी और आगे हम बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन ये सब बातें हमारी होंगी कब? जब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।